सोमवार की रात 10 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले उन लोगों के चैन की नींद उड़ गई जो हर रोज़ रात को सोते समय अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर खुद को अपडेट करके सोते थे। दरअसल दुनिया भर के कई घंटे फेसबुक के सभी विशेष डाउन रहे हैं। फेसबुक की सर्विस के अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कई सर्विसेज जो हैं वो भी ठप पड़ी रही। हालांकि सुबह 4 बजे के आसपास कई घंटों से बाधित फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सेवाएं फिर से शुरू हो गई। इंस्टाग्राम ऐप ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। पहले जहां कोई भी नया कंटेंट शो नहीं हो रहा था, वहीं अब फिर से ऐप काम करने लगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डाउन होने के बाद ये साफ नहीं हो सका है कि इसके पीछे का वजह क्या था। कुछ लोगों ने इसे साइबर अटैक बताया था, तो किसी का कहना था कि DNS इशू है। वही कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी है और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र गुज्जर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे आप, जो पूरा घटनाक्रम कल शाम को देखा गया, एकाएक जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कई जो है सोशल साइट्स वाली ऐप्स हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गई काम करना, फिर सुबह 4 बजे खुली। कई लोगों का कहना था कि कुछ इश्यूज थे और कई लोग कह रहे कि साइबर अटैक था। जी जी मैम नमस्कार। ये साइबर अटैक था कि जिस तरह से उनकी सेवाएं बंद रही और पूरे विश्व भर में बंद रही और सारे उनके जो डोमेन थे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, उनको बंद किया गया था। वो किसी साइबर हमले की ही आशंका और साइबर हमला ही वो हुआ है। उस हमला करने या उस साइबर हैकर ने इनके जो सर्वर्स हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया है और वो कब्जे में लेते इनकी जो सर्विसेज थी वो उन्होंने बंद कर दी। इससे बहुत सारे यूजर कई कल 8-9 घंटे परेशान रहे, जब व्हाट्सएप नहीं चला, इंस्टाग्राम नहीं चलाया और फेसबुक चलाया। यहाँ तक उन्होंने फेसबुक के जो CEO हैं उन्होंने माना है कि ये साइबर हमला हो सकता है और उनकी उनको इसकी जानकारी है और ये जब फॉरेंसिक वो ऑडिट करेंगे तो उनको ये मालूम चल जाएगी कि ये किस तरह से हुआ है और किसने ये किया है। उनकी टीम फॉरेंसिक्स ऑडिट कर रही है इस मामले में। जी मैम। सत्येंद्र जी, DNS इशू क्या होता है, क्योंकि इसका नाम बार बार सामने आ रहा है कि या तो साइबर अटैक था या तो DNS इशू था। मैम DNS सर्वर होते हैं तो जो अटैकर ने है ना DNS पॉइजनिंग की होगी या DNS सर्वर को हाईजैक किया होगा, तो इस तरह से एक्चुअली में जितना भी उनकी सर्वर्स हैं, नेटवर्किंग हैं, वो DNS से जुड़े हुए हैं और उनके किसी सर्वर्स को DNS के थ्रू या किसी DNS को पॉइजनिंग कर दिया होगा या उसका हाईजेक कर लिया होगा उन्होंने। और इस तरह की जो सेवाएं थी जिन हमारी रिक्वेस्ट वहां जा रही थी एज ए यूजर, जैसे मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो वो रिक्वेस्ट फेसबुक के पास पहुंच नहीं पा रही थी, ना वो हमारे ऐप तक अपडेट हो पा रही थी जो फीड है हमारी ऐप के अंदर, ना कोई मैसेज ना जा रहे थे ना रिसीव हो रहे थे। एक और अहम चीज़ है, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो यूजर्स हैं उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है या उन्हें कोई एक्शन लेने की जरूरत है? मैम देखो, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं तो इन जेनरिक मैसेजेस में भेज देते हैं। जैसे व्हाट्सएप का मैसेज है वो जेनेरिक है, उसमें मैं अकाउंट डिटेल अपनी भेज रहा हूँ या कोई पर्सनल डिटेल किसी को भेज रहा हूँ तो मैन इन द मिडिल अटैक रहा। हालांकि वो दावा करते हैं कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, लेकिन इस तरह के इश्यू आने के बाद थोड़ी शंका एक यूजर को इनके ऊपर करनी चाहिए कि अगर वो इनके सर्वर को बंद कर सकते हैं तो यूजर के डेटा को भी चुरा सकते हैं। तो कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमें लगता है कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है वो फेसबुक, व्हाट्सएप पर कभी ही शेयर ना करें। हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो अलाउ ही नहीं करती कि आप गवर्नमेंट की ईमेल ID पे भेजिए, गवर्नमेंट के ही जो पोर्टल हैं उनके ही थ्रू जाइए। इनके थ्रू कोई भी सूचना, बैंक अकाउंट नंबर हुआ, आपकी और कोई अकाउंट डिटेल हुई, कोई हेल्थ डिटेल हुई, वो ना ही व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेजें, ना व्हाट्सएप के थ्रू रिसीव करें, ना व्हाट्सएप पर वो सेव करके रखें। तो ये एहतियात बरतनी पड़ेगी। दूसरा, जो आपके पासवर्ड हैं वो आप किसी फाइनेंशियल बैंकिंग के जो पासवर्ड हैं और आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट रखें। कई बार सेम सेम एक ही पासवर्ड सब में रख लेते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप फेसबुक हैक हुआ है तो आपका अकाउंट रिफेयर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यूजर को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जस्ट मनोरंजन, जस्ट कनेक्टिविटी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या और किसी तरह के उपयोग के लिए सोशल मीडिया को या इंस्टाग्राम को, फेसबुक को बचना चाहिए।
नितिन जी, एक और अहम चीज़ है, क्योंकि इससे पहले भी कहीं ना कहीं फेसबुक के ऊपर कई सवाल खड़े कर चुके हैं, जो है तकनीकी लोग इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं कि आपका डेटा ये रखता है, और क्योंकि अब इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए या व्हाट्सएप की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं अधीनस्थ हैं वो सेम कंपनी के, तो क्या एक बार फिर ये माना जा सकता है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है? हाँ मैम, डेटा के साथ तो ये सेल करते ही हैं आपस में। आपका व्हाट्सएप के है आपका मोबाइल नंबर, तो आपने जितने भी करोड़ यूजर हैं इंडिया के, तो व्हाट्सएप के पास उनके मोबाइल नंबर हैं, उनकी एक्टिविटी व्हाट्सएप को पता है। और हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद कर रहे हैं, या कोई और चीज़ आप सर्च करने लगते हो, तो वो थोड़े के बाद ऐड जो आते हैं आपके सिमिलर ऐड आने लग जाते हैं। तो डेटा को तो भाई मार्केटिंग कर रहे हैं आपके डेटा की, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे, आपके फेसबुक पर उसके ऐड दिखने लग जाएंगे, आप अमेजन फ्लिपकार्ट पर कोई भी चीज़ सर्च करोगे, किसी तीसरी वेबसाइट पर वो देंगे। तो हमारे जो डेटा के साथ है वो प्राइवेसी तो ये रखती नहीं है। किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा बार ब्राउज कर रहे हैं या सर्च किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका डेटा कलेक्ट करके वही एड्स इसलिए बार बार हमको शो अप किए जाते हैं, पॉपअप्स में आते हैं वो। यस मैम, इससे कितना कितना व्यक्ति को बचा जा सकता है? देखिए, आजकल के दौर में सोशल साइट्स एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आदमी अपनी बात को रखता है, जिस तरीके से आपने कहा कि बैंक डिटेल्स वगैरह, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परिवार का कोई व्यक्ति बाहर जा रखा है, बैंक जा रखा है, और उसके पास कुछ डिटेल्स नहीं है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे वो डिटेल मंगा लेता है, क्या ये सेफ कंसिडर किया जाएगा? उसमें टेक्स्ट मैसेज का उपयोग करें, जैसे आपको बैंक खाते में आपको दे रहे हो, आप अपनी कोई बैंक खाते की डिटेल आप दे रहे हो, तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप करें इसको, व्हाट्सएप के थ्रू इस तरह के नहीं करें, सोशल मीडिया के थ्रू को आप पोस्ट नहीं करें, मैसेंजर में किसी को अपना खाता संख्या भेज रहे हो, इस तरह का आप जो बचाव के उपाय ना ये अपनाएं, कम से कम शेयर करें सोशल मीडिया पे अपने जितना भी आपका डेटा है, पर्सनल डेटा, उसको आप आधार कार्ड की फोटो कॉपी उसमें नहीं भेजें। तो ये हर व्यक्ति का जो जीवन है एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ओपन हो करके नज़र आता है, हर पर्सनल फोटोज वो शेयर करता है अपने परिवार के साथ की, कहीं घूमने जाने की, कहाँ करंट लोकेशन है उसकी, कहाँ वो बैठ करके मूवी देख रहा है, या कौन से होटल में बैठ के वो रिजॉर्ट में या रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, इस बात की डिटेल भी वो जो है सोशल साइट पर लोगों के साथ साझा करता है। तो एज ए एक्सपर्ट है या एज ए जो अपना सोशल मीडिया के एक्सपर्ट है या मनोवैज्ञानिक है, वो एज ए बीमारी ले रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं किसी को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो इस तरह की पोस्ट करना, ये तो व्यवहारिक जीवन में भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हो। दूसरी बात, अभी आने वाले समय में रोक लग रही है इसमें, बहुत सारे जो एम्प्लॉयर हैं, जो आपकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम करते हैं, उनके सोशल मीडिया के कुछ रूल होते हैं, वो आपको फॉलो करने से सोशल मीडिया पॉलिसी ले आए हैं। जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया पॉलिसी है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सोशल मीडिया पॉलिसी आएगी, और हमको खुद को भी एक इंडिपेंडेंट, कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमको भी फॉलो करना चाहिए कि क्या मुझे पोस्ट करना है क्या नहीं करना है। हाँ, अभी आप अपना बिजनेस मार्केटिंग करनी है, उसके और तरीके आ गए हैं, बिजनेस अकाउंट बना सकते हो आप, या फेसबुक पर पेज बना सकते हो, तो उनके थ्रू वो काम आप कर लें, लेकिन अपने पर्सनल जीवन को फेसबुक पर बेचना गलत बात है। यानी कि पर्सनल डेटा को कम से कम ट्राई करना चाहिए सोशल मीडिया पर शेयर करने का। अगर एक चीज़ और है यहाँ पे सत्यन जी अहम, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि लोग जो है अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों तक पहुँचा पाए, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किसी संस्थान के द्वारा किया जाता है तो क्या इसके तहत जो संस्थान पर कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर जो कल का घटनाक्रम हुआ रात से लेकर के सुबह तक, जिस तरीके से सोशल साइट्स बन रही हैं, अगर इस दरमियान कहीं से डिटेल आती है कि डेटा जो है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो क्या इसके तहत कार्रवाई होगी? यस यस मैम, इंटरमीडिएटरी के रूल हैं, हमारे भारत में कानून बना हुआ है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो किसी भी यूजर का डेटा रखता है, जैसे उसमें पासवर्ड, सेंसिटिव डेटा में आते हैं आपके पासवर्ड हैं, आपके बैंकिंग फाइनेंशियल कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई डेटा है, तो इसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो उस थर्ड पार्टी की है जिसने डेटा अपने पास सेव रखा है या अपने पास ले रखा है, चाहे वो फेसबुक हो या अदर कोई डेटा हो, तो इसको ये सिक्योर करेंगे। अगर इसमें ये फेल होते हैं तो इसके ऊपर पेनल्टी है आईटी एक्ट के तहत,
और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। और अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है उसमें तो इसमें पेनल्टी भी लिखी हुई है कि आपका बिजनेस का 3% या 5 करोड़ से ऊपर की पेनल्टी है अगर आप इसको सुरक्षित रखने में फेल होते हैं। धन्यवाद सत्येंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्येंद्र गुजर साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रयास यह करिए कि आप अपने पर्सनल डेटा जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा ना शेयर करें।